नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चला है हल्द्वानी की कुछ मुख्य खबरों का, तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। SSP नैनीताल के निर्देशन में नैनीताल पुलिस की कार्रवाई में अब दंगे में शामिल और 3 उपद्रवियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसको मिलाकर अभी तक कुल 92 उपद्रवियों को जेल भेजा जा चुका है। बता दें, 8 फरवरी को बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान उपद्रवियों की ओर से पुलिस प्रशासन, नगर निगम और मीडिया कर्मियों पर पथराव और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद इसके संबंध में थाना बनभूलपुरा में 3 मामले दर्ज किए गए थे। हल्द्वानी में गौला के खनन कारोबार को लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। बता दें, इस पर वाहन स्वामी कह रहे हैं कि पहले से तय दर के हिसाब से कम भाड़ा दिया जा रहा है और क्रेशर संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिससे समस्या का समाधान न होने पर मंगलवार को सभी गेट बंद कर दिए जाएंगे। बता दें, गोरा पड़ाव गेट से निकले कई वाहन 3 पानी में क्रेशर के बाहर ही खड़े हो गए हैं। हल्द्वानी में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को निर्धारित समय के अंतर्गत न खोलने और हमेशा बंद रहने की निरंतर शिकायत मिलने के चलते बीते दिन हल्द्वानी स्थित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान निरीक्षण के समय सभी सस्ते गल्ले की दुकान बंद पाई गई, जिसके बाद दुकान बंद पाए जाने पर सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकानों में मौके पर ही नोटिस चस्पा कर पक्ष रखे जाने के लिए आज तक का समय दिया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हल्द्वानी में प्रशासन के साथ ही पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी और अति संवेदनशील बूथों पर पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात की जाएगी, जिसमें अब नैनीताल पुलिस की डिमांड पर 3 कंपनी पैरा मिलिट्री फोर्स जिला पुलिस को मिल चुकी है। इस बारे में बात करते हुए SSP प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट कर जहां भी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी, पुलिस प्रशासन पूरी व्यवस्था करेगा। ब्लॉक कोटाबाग के सुरपुर चकलुआ गांव में लगने वाले एथनॉल प्लांट के मानकों की जांच को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों को कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अपना समर्थन दिया। बता दें, कालाढूंगी में गांव बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सुरपुर गांव में लगने वाले एथनॉल प्लांट के मानकों की जांच को लेकर दीनदयाल पार्क कालाढूंगी में ग्रामीणों का लगातार 18वें दिन भी धरना जारी रहा। हल्द्वानी की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज। धन्यवाद।